स्वागत करता हूं आप सभी का। सामान्य हिंदी का बैच प्रारंभ है। सामान्य हिंदी आपके लिए कहां कहां उपयोगी है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। बैच जब आप लेंगे तो बैच में आपको क्या और कैसे अध्ययन करना है इसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। पीडीएफ आपको कहां दी जाएंगी और स्वमूल्यांकन यानी जो टेस्ट है आपके विकास के लिए बहुत जरूरी है। आप पढ़ कितना भी ले, लेकिन कहा गया है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। यानी करत करत अभ्यास यानी अभ्यास यानी एक स्वमूल्यांकन क्या है, एक तरह का आपका अभ्यास है। करत करत अभ्यास ते जड़मति, जड़मति मतलब होता है सोया हुआ बुद्धि, जिसको बोलते हैं मूढ़। जड़मति होत सुजान, सु मतलब होता है अच्छा और जान मतलब जाना जाना, मतलब उसमें भी अच्छा जाना जाता है। रसरी आवत जाते, अब रसरी आता मतलब रस्सी जो है बहुत कोमल होता है, और सिल मतलब होता है पत्थर। रसरी आते जाते लगातार मतलब अभ्यास के फलस्वरूप सिल यानी पत्थर पर भी निशान छोड़ जाते हैं। इंग्लिश में कहा गया है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे यानी स्वमूल्यांकन आपका बहुत जरूरी है। ये भी कराए जाएंगे, कैसे कराए जाएंगे वो बताऊंगा। कक्षाएं जो है यानी क्लासेस हैं कैसे मिलेंगे आपको वो बताऊंगा। आप सभी के लिए, आप सभी की सुविधा के लिए मैंने लाइव डाउट सेशन भी बीच बीच में रखा है, और एक नंबर भी आपको दिया जाएगा जिसके माध्यम से आप इस जो सामान्य हिंदी का क्लास है वहां पे आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो सबसे पहले समझाता हूं सामान्य हिंदी आपके लिए क्यों उपयोगी है। देखिए, आप हिंदी भाषी स्टेट यानी राज्य में रहते हैं, और साथ ही साथ जितने भी स्टेट पीएससी हैं, यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीएससी, यूपीएससी में भी एक वैकल्पिक पेपर के रूप में हिंदी पूछे जाते हैं। तो वहां भी हिंदी अगर आपका बेस बहुत मजबूत रहेगा, कहने का मतलब कि जो सामान्य हिंदी पे पकड़ रहेगा, तो आप बहुत ही कुशलतापूर्वक इंटरव्यू में भी आप जवाब दे पाएंगे। और मेन सेंसर राइटिंग जो लिखते हैं वो आप हिंदी में लिखते हैं या फिर इंग्लिश में लिखते हैं, लेकिन हिंदी को हिंदी में लिखते हैं तो वहां पे आपका बहुत काम करेगा। पीसीएस की बात करूं, जितने भी हिंदी भाषी स्टेट पीसीएस है वहां पे हिंदी एक वैकल्पिक पेपर के रूप में या फिर एक मेन पेपर के रूप में पूछे ही जाते हैं। तो ऐसे में आपका हिंदी बहुत ही शानदार होने वाला है। और जितने भी वनडे एग्जामिनेशन है, जो वनडे एग्जामिनेशन जैसे एसएससी वगैरह होते हैं, तो उसमें पूछे जाते हैं हिंदी। और साथ ही साथ जितने भी आपके स्टेट में एसएससी है यानी कर्मचारी चयन आयोग, वहां जो वैकेंसीज निकलती है उनमें हिंदी पूछा जाता है। हिंदी या तो मेन पेपर के रूप में, बहुत जगह तो मेन पेपर के रूप में ही है, कहीं कहीं वैकल्पिक रूप में भी है। एक जो अच्छे शिक्षक बनने को की राह बांट रहे हैं उनके लिए भी हिंदी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब जाते हैं टीचर का एग्जामिनेशन देने, चाहे वो टेट हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो या फिर सीटेट हो, तो हिंदी पेपर पूछा ही जाता है। और या इसके अतिरिक्त भी हिंदी जैसे नेट हो गया, जेआरएफ हो गया, वहां पे पूछे जाते हैं। तो हिंदी की उपयोगिता बहुत है आपके एग्जामिनेशन को लेके। एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए मैंने बता दिया हिंदी कहां कहां पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त भी जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उनमें हिंदी पूछे ही जाते हैं। अब समझाता हूं बैच में क्या और कैसे अध्ययन कराया जाएगा। देखिए, बैच में जैसे कहा गया ना कि इंग्लिश में बोलते हैं ए टू जेड, यहां मैं बोल रहा हूं अ से ज्ञ तक, मतलब कि संपूर्णता के साथ में अध्ययन करवाऊंगा बिल्कुल आसान और सरल भाषा में, बिल्कुल आसान सरल, आपको लगेगा कि मैं सामने बैठा हुआ हूं, ठीक है। और भाषा असिज्ञा मतलब हिंदी में कितने वर्ण हैं, 52 वर्ण, 52 वर्णों को बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा, क्योंकि आपका एक टॉपिक है वर्णमाला, तो वर्णमाला को मैं बहुत तोड़ के बहुत ही बारीकी से संक्षिप्त बहुत ही विस्तार तरीके से, माफ कीजिएगा, विस्तार तरीके से बताऊंगा। और वर्णमाला में ये आपको सिखाऊंगा किस कैसे कैसे ध्वनियां निकलती है, संवृत वर्ण, विवृत वर्ण, अर्ध स्वर, स्वर, हर स्वर, दीर्घ स्वर, क्या फर्क है, ठीक है। उसके साथ साथ लिपियों का भी ज्ञान करवाऊंगा। भाषा, अब भाषा से स्टार्ट मैं करूंगा, जैसे क्या हिंदी क्या है एक भाषा, तो भाषा पहली क्लास आपकी रहेगी। भाषा से स्टार्ट करते हुए मैं संपूर्ण व्याकरण कवर करवाऊंगा, जिसमें आपके आते हैं, अगर मैं बात करूं भाषा हो गया, हिंदी की उत्पत्ति हो गई, उसके बाद आप वर्णमाला पढ़िएगा, उसके बाद आप शब्द रचना पढ़िएगा। शब्द रचना में बहुत सारे पार्ट आते हैं, जैसे विकार के आधार पे, प्रयोग के आधार पे, रचना ये बनावट ये उत्पत्ति के आधार पे, माफ कीजिएगा, उत्पत्ति के आधार पे। तो ऐसे हिंदी को तोड़ेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, और अव्यय में तो सब कुछ आ गया, जैसे अव्यय के चार भेद, अव्यय यानी अविकारी शब्द, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विषमयादि बोधक, तो ये हो गया। विकारी शब्द के चार भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन सब का ज्ञान आपको बहुत अच्छे से कराऊंगा। लिंग हो गया, वचन हो गया, कारक हो गया, बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो फंसते कहाँ पे हैं, एक तो वर्णमाला हो गया, वहां पे अटक जाते हैं, फिर आपका हो गया समास, समास के बाद संधि में अटक जाते हैं, अलंकार में प्रॉब्लम होती है, तो ये वर्तनी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और कई बार आपको वर्तनी को लेके शुद्धता नहीं रहती, तो वो सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा बहुत ही आसान और सरल भाषा में। तो संपूर्ण व्याकरण को मैं बहुत अच्छे से, रस हो गया, अलंकार हो गया, समास हो गया, संधि हो गया, वाक्य हो गया, वाक्य का जो
शुद्धिकरण है या त्रुटि, वो मैं सब कुछ सिखाऊंगा। इसके अतिरिक्त जो शब्दावली है, जैसे शब्दावली में आपका हो गया विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, उसके अतिरिक्त हो गया आपका अनेक शब्दों के बदले एक शब्द के बाद फिर हो गया मुहावरे, लोकोक्तियां, तो ये सारे कुछ, इन सब का जो याद करने वाला हो उसका पीडीएफ भी मैं आपको एप्लीकेशन के माध्यम से दे दूंगा। स्वमूल्यांकन, अब जब कक्षाएं जब चलाऊंगा मैं, कक्षाएं कैसे चलेंगी, तो देखिए रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, लेकिन आप सबकी सुविधा के लिए मैं बीच बीच में लाइव डाउट सेशन भी रखूंगा। वहां पे आप खुल के मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके समक्ष रहूंगा, आप क्वेश्चन जो भी आपका डाउट हो पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपका लाइव डाउट सेशन हो गया, पीडीएफ हो गया, स्वमूल्यांकन बीच बीच में लेता रहूंगा। स्वमूल्यांकन कैसे कराऊंगा, या तो मैं बोर्ड पे ऐसे ही कराऊंगा, और एक दूसरा तरीका है आपको कि मेरा फेस नहीं दिखेगा, स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन आएंगे, बहुविकल्पीय जैसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वैसे, और वो कराऊंगा। ज़्यादा जानकारी के लिए, आपको अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे 7982, अब मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ, 7982705327, इस पे संपर्क करना है आपको, अधिक जानकारी लेनी है तो ये ऑफिशियल नंबर है हमारा, यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। हिंदी को मैं ऐसा करूंगा इस बार कि बहुत ही मजेदार और शानदार तरीके से लेके चलूंगा, और हिंदी के माध्यम से जब मैं ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाया करता था तब भी बहुत सारे जो छात्र छात्राएं हैं वो सेलेक्ट हैं, सरकारी नौकरियों में काम कर रहे हैं, और हिंदी के बेस पे ही बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं वो हाई स्कूल टीचर या फिर पीजीटी कह लें या फिर बहुत सारे विभिन्न राज्यों में अपनी सेवाएं अच्छे से दे पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी इसको कक्षा को लेकर डाउट हो, क्लास को लेकर डाउट हो, तो आपको एक नंबर दिया गया है, इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए। बाकी आपके लिए बैच ओपन है, आप बैच से जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी को गति दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप तो यहाँ मतलब फ़ोन कर ही लें, जो भी आपका डाउट रह गया है इस वीडियो में, जो आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ हो उसके लिए आप यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। बाकी आपको हिंदी में बहुत ही शानदार, बहुत मज़ेदार तरीके से कराऊंगा, बीच बीच में मैं स्वमूल्यांकन यानी टेस्ट जरूर लेते रहूँगा, और आपका भी परीक्षण होते रहेगा, और परीक्षण बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। आज के लिए आप सबको धन्यवाद, जय हिंद।